आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लेजी पे चाहे सिंपल पे लेटर या कोई भी पे लेटर है, उस पे लेटर बैलेंस को बड़े ही आसान तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा एक ऐसा एप्लीकेशन, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, चाहे किसी भी वैलेट का पैसा हो चाहे पे लेटर का पैसा हो, बड़े ही आसान प्रोसेस से आप बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे चार्ज जरूर लगेगा, बिल्कुल फ्री में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा। फ्रेंड, आप लोगों का ज्यादातर कॉमेंट इसी बात को लेकर आता है कि मेरा जो है पे लेटर में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो सर लेजी पे लेटर में बैलेंस पड़ा हुआ है और मुझे है पैसा का काम, क्योंकि मैं चाहता हूं उस पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना, तो कोई ऐसा एप्लीकेशन बताइए जिसके मदद से हो सके। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को विथ प्रूफ दिखाऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम भी दिखाऊंगा और यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा कि कितना चार्ज यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन 100% ये जो है ट्रिक यहाँ पे वर्किंग कर रहा है और जिसके मदद से आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड पहले डाल के एप्लीकेशन के मैं चला जाता हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, हम यहाँ पे होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो ऐप्स है, ये एक लोन कंपनी है और लोन कंपनी में इस लोन कंपनी से आपको लोन भी मिल जाएगा अगर आपको इमरजेंसी है तो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, यानी कि आपको गोल्ड बाय करना पड़ेगा, चाहे सिंपल पे लेटर से कीजिए, लेजी पे से कीजिए, जो भी पे लेटर आप यूज कर रहे हैं उस पे लेटर से गोल्ड बाय कीजिए, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड सेक्शन पे है, हम गोल्ड को ओपन करते हैं। गोल्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ रहा है जो कितना आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। सपोज डेट मैं यहाँ पे 5000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5000 लिखता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद पे के ऊपर क्लिक करना है, पे के ऊपर क्लिक करने के साथ ही ये हमें पे रिडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे पेमेंट पेज के ऊपर। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए जैसे कि पेटीएम, फोन पे, डेबिट कार्ड, मैं जितना भी एटीएम कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी इसको आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वैलेट और पे लेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मोबीक्विक जो है, फ्री रिचार्ज, एयरटेल मनी, ओला, जियो, पेजअप, बहुत सारा वैलेट हम लोगों के सामने आ रहा है, कोई भी वैलेट से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक करते हैं और यहाँ पे लेटर का जो ऑप्शन है सिंपल सा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पे एक पे लेटर अपडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं कल चेकआउट कर रहा था तो यहाँ पे 2-3 पे लेटर यहाँ पे आ रहा था, जिसमें लेजी पे, सिंपल पे लेटर, बहुत सारा पे लेटर आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको चेक करते रहना, आपको यहाँ पे 2-3 घंटे घंटे में चेक करना है, अपडेटेड होते रहता है। यहाँ पे जैसे कि वैलेट बहुत सारा जो शो हो रहा है, ये भी वैलेट अपडेटेड होते रहता है। जैसे कि कभी यहाँ पे मूवी की घट जाएगा, अमेजोन पे आ जाएगा, इसी प्रकार का अपडेटेड होते रहता है। तो आपको क्या करना है, अपना पे लेटर से जो है गोल्ड परचेस कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि गोल्ड आपका परचेस हो जाता है, अभी फिलहाल तो सिंपल पे लेटर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद अब मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि जो डिजिटल गोल्ड आप बाय कर लेंगे उस पैसे को फिर बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो फिर से गोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे गोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है, उसके बाद यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी अवेलेबल गोल्ड बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो परचेस करना होगा, परचेस करने के लिए आपको सिंपल पे लेटर, लेजी पे, ठीक है, कोई भी पे लेटर का यूज आप कर सकते हैं। फिलहाल आईसीआईसीआई का जो पे लेटर है वो अभी चल रहा है, तो यहाँ पे 1-2 घंटे में अपडेट होते रहता है, चेकआउट कीजिएगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैक चलते हैं, बैक चलने के बाद मैं आपको लोगों को एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, जो कौन सा एप्लीकेशन है जिसके मदद से आपको करना है, ठीक है। तो सिंपल से आपको चलना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर चलने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे फ्रेंड कैश ही, ठीक है, कैश ई लिखकर सर्च करना है। जैसे कैश ई लिखकर सर्च कीजिएगा, ये जो कंपनी है आप लोगों के सामने आ जाएगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये एक लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगर आपको पैसे की इमरजेंसी है तो इस एप्लीकेशन के मदद से आप लोन भी ले सकते हैं और इसी एप्लीकेशन के मदद से आपको डिजिटल गोल्ड बाय करना है और फिर आपको उसको सेल करना है। यहाँ पे आपको कम से कम 1000 में लगभग 20 से 30 रुपये बैलेंस कट जाएगा, ये आप रखिए, क्योंकि गोल्ड जब भी आप परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह सारा कुछ कट के ही आपका पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रोसेस से अभी प्रेजेंट टाइम में आपको लेजी पे, सिंपल पे लेटर या तो जो भी पे लेटर इस एप्लीकेशन पे शो करेगा
उस पे लेटर बैलेंस को आप बड़े ही आसान तरीके से अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी